सो गाइस, इस वीडियो में देखेंगे कि वेरिएबल कैसे डिक्लेयर कर सकते हैं कॉटलिन के अंदर वैल कीवर्ड के थ्रू। आई होप गाइस कि आपने मेरी लास्ट वीडियो देखी होगी, वेरिएबल कैसे डिक्लेयर कर सकते हैं वैल कीवर्ड के थ्रू। तो गाइस, अब समझते हैं कि वैल कीवर्ड का कॉन्सेप्ट बेसिकली है क्या। तो गाइस, अब हम अगर हम किसी वेरिएबल को वैल कीवर्ड से डिक्लेयर करेंगे ना, तो उसका मतलब ये होता है कि उस वेरिएबल के अंदर हम कुछ चेंजेस नहीं कर सकते। चेंजेस का मतलब ये होता है गाइस कि हम उसको, वो एक कांस्टेंट है, ठीक है, उसको हम रीअसाइन नहीं कर सकते। आई होप गाइस कि आपको क्लियर हो चुका होगा इसको। गाइस आपको क्लियर नहीं हुआ, डोंट वरी। तो गाइस, अगर आपने जावा पढ़ी होगी तो जावा में क्या होता है कि किसी भी फाइनल कीवर्ड पता होगा गाइस आपको, फाइनल कीवर्ड के बारे में। तो फाइनल कीवर्ड बेसिकली क्या करता है, अगर किसी भी वेरिएबल को हम फाइनल से डिक्लेयर करते थे तो उसको हम रीअसाइन या चेंज नहीं कर सकते थे, वो एक जस्ट कॉन्स्टेंट बन गया था। ओके, तो गाइस यही सेम कॉन्सेप्ट होता है हमारे पास वैल कीवर्ड का कॉटलिन के अंदर। और गाइस आपको यहाँ से भी कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हुआ हो तो कोई बात नहीं, आपने सी या सी प्लस प्लस में कॉन्स नाम का वेरिए कॉन्स नाम का कीवर्ड जरूर पढ़ा होगा। गाइस कॉन्स गाइस कॉन्स्ट क्या कैसे काम करता है बेसिकली। तो गाइस हम किसी वेरिएबल को जब हम कॉन्स्ट से डिक्लेयर करते हैं तो उसका मतलब होता है कि उसके अंदर हम रीअसाइन नहीं कर सकते वैल्यू को। आपको पता होगा यहाँ पर, आई होप कि गाइस कि यहाँ पर थोड़ा बहुत क्लियर आउट हो चुका होगा। तो गाइस पहले एग्जाम्पल देखते हैं कि हम कैसे डिक्लेयर कर सकते हैं वैल कीवर्ड के थ्रू वेरिएबल। ओके, तो गाइस क्या करते हैं, पहले तो मैं एक मेन फंक्शन बनाता हूँ। तो फन लिख दिया, देन मेन बना दिया, देन ओके इतना काम हो गया। अब गाइस मान लो मैंने लिख दिया वैल, ठीक है, वेल मैंने गाइस नेम पास किया और मैंने पास कर दिया स्नेहा पास करो, ठीक है। ओके एंड गाइस एक और मैं क्लियर बनाता हूँ वेल नाम का, इसमें एक वर्ड मैंने पास कर दिया फाइव। अब गाइस देखो, मान लो इसको मैं प्रिंट करवाता हूँ, प्रिंट पास किया, देन मैंने क्या किया नेम पास कर दिया एंड मैंने एक और प्रिंट एंड पास किया, इसमें ए पास कर दिया एंड जस्ट क्या करता हूँ इसको मैं रन करवाता हूँ। तो गाइस अब तो देखो प्रिंट जो होगा वो नॉर्मल प्रिंट होगा, पहले स्नेहा आएगा देन फाइव आएगा, ठीक है, इतना काम हो गया। अब गाइस देखते हैं कि जब मैं इसको रीअसाइन करता हूँ नेम को, मान लो नेम को मैं रीअसाइन करने की कोशिश करता हूँ, मान लो मैंने जैन पास किया। गाइस देखो कंपाइल टाइम एरर आ रहा है। देखो कंपाइल टाइम एरर क्या कह रहा है कि देखो कह रहा है वैल कैन नॉट बी रीअसाइन, जो वैल की वर्ड है उसको रीअसाइन नहीं कर सकते हम। ओके अब गाइस देखो, मान लो कि मैं ए इक्वल टू मैं फाइव कर सकता हूँ। ओके तो गाइस इसको भी कहेगा कि हाँ आप वैल कीवर्ड के थ्रू वैल कीवर्ड के थ्रू जो भी वेरिएबल डिक्लेयर है उसको आप रीअसाइन नहीं कर सकते। तो गाइस ये कुछ कॉन्सेप्ट होता है हमारे पास वैल कीवर्ड का। तो वैल कीवर्ड का गाइस मतलब यहाँ पे होता है कि कॉन्स्टेंट वैल्यू, उसको आप चेंज बिल्कुल नहीं कर सकते फ्यूचर में। ओके तो गाइस ये आपका बस कॉन्सेप्ट था वैल कीवर्ड के। आई होप गाइस कि आपको क्लियर आउट हुआ होगा। ओके